पटना के फतुहा में नदी थाना क्षेत्र के जेठुली घाट के पास नाव पर लोड बारात की स्कॉर्पियो गाड़ी फिसलकर गंगा में जा गिरी है। रविवार की शाम 7 बजे गिरते ही स्कॉर्पियो गंगा में लापता हो गई है। स्कॉर्पियो में बैठे 4 लोग किसी तरह वाहन का गेट खोलकर बाहर निकल गए हैं, लेकिन गाड़ी में बैठे 2 लोग लापता हो गए हैं। घटना की जानकारी होते ही जेठुली घाट के साथ साथ स्थानीय प्रशासन में भी अफरा तफरी मच गई है। स्थानीय लोगों ने गोताखोर के माध्यम से लापता लोगों की तलाश करनी गंगा में शुरू कर दी है। दूसरी तरफ घटना की जानकारी होते ही आनन फानन में फतुहा के DSP राजेश कुमार मांझी, नदी थाना प्रभारी धर्मेंद्र प्रसाद, रुस्तमपुर थाना प्रभारी शुभ नारायण प्रसाद व राघोपुर थाना प्रभारी पुष्पेंद्र कुमार दलबल के साथ जेठुली घाट पहुंचे तथा स्कॉर्पियो व लापता लोगों की खोज के लिए SDRF की टीम को बुलाया था, लेकिन अंधेरा रहने के कारण रेस्क्यू चलाने में परेशानी आ रही थी। बारात पटना के नवरतनपुर से दियारा क्षेत्र के रामपुर गाँव निवासी सत्येंद्र राय के घर जा रही थी। पटना से बारात कई छोटी गाड़ियों से जेठुली घाट पहुंची। दूल्हे की सजी कार भी जेठुली घाट पर पहुंची थी। बारी बारी से सभी वाहन व बारात में शामिल लोगों को नाव से गंगा पार भेजा जाना था। 2-3 वाहन को नाव पर लोड कर गंगा पार पहुंचा दिया गया। इसके बाद एक नाव पर बारात की एक स्कॉर्पियो, एक बुलेरो तथा दोनों वाहन पर सवार लोगों के साथ साथ कई मोटरसाइकिल को भी नाव पर चढ़ाया गया। आपको बता दें कि गंगा में जलस्तर की वृद्धि को देखते हुए कच्ची दरगाह स्थित पीपा पुल को खोल दिया गया था। दियारा क्षेत्र के लोगों के लिए नाव की ही सवारी चल रही थी, लेकिन जिला प्रशासन की माने तो शाम के बाद गंगा में नाव के परिचालन पर रोक है। इसके बावजूद रात में गंगा में नाव का परिचालन बेरोक टोक जारी था। जेठुली घाट से नाव खुलकर किनारे से गंगा में बढ़ने लगी। इसी बीच एकाएक वर्षा होने लगी और बरसात से बचने के लिए बारात के कुछ लोग स्कॉर्पियो में सवार हो गए। सवार होते ही नाव एक तरफ असंतुलित हो गई थी। स्कॉर्पियो में सवार 4 लोग किसी तरह बाहर निकल गए, लेकिन दूल्हे के पिता उपेंद्र राय की माने तो 2 लोग लापता हो गए हैं जो नवरतनपुर के ही रहने वाले हैं। बोलेरो चलाने के क्रम में वो बता रहा है कि किनारे में भी अंदरों से कह बोलेरो गिर गई नदी में, इसके कारण से उसमें कुछ लोग तो निकल पाए हैं, लेकिन एक दो आदमी की संभावना है कि बोलेरो के साथ भी था, तो लोग उसमें समाहित हो गए।